हाय हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाय द वे आज दिनांक है 17 अप्रैल और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है। अगर कभी मौका मिलता है तो विजिट जरूर कीजिएगा। सुबह के बजे हैं अभी 9 और हम लोग आ गए थे सुबह लगभग 7:30-8 बजे के आसपास में, और वहाँ पे रखा हुआ है बैग मेरा। बाकी अब मनीष भाई घर जाने की तैयारी करने लग गए हैं। बाकी आज मुझे भी जाना है डीडीहाट यानी कि अपने ससुराल, क्योंकि वहाँ शादी है ना, तो शादी में जा रहे हैं नेहा भी मैं भी दोनों। तो फिलहाल चलते हैं मनीष भैया के रूम पे। ओहो हो कर दी भाई सारी पैकिंग। हाँ, मेरा फोन तो दे दो, जब मार लेंगे बोलना। गुड यार, कौन सा फोन? S22 सुपर अल्ट्रा। सुपर अल्ट्रा, थैंक यू, गिफ्ट हुआ मेरी ओर से। वही समझ लेते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, हो गई सारी पैकिंग? अच्छा चलो फिर चलो। अरे गए नहीं क्या अभी तक? हैं, गजब बाद में हो यार। तो फाइनली कई सिद्धतों के बाद मनीष भाई ने अपनी गाड़ी तैयार कर ली है, बढ़िया तरीके से पैकिंग कर चुके हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा ही लगा। अच्छा लगा मुझे तो, उससे ज़्यादा आपको सुन के अच्छा लगा। चलो फिर बाय, आराम से जाओ, फिर मिलते हैं। जाते जाते भी ये बंदा ना मुझसे काम करवा के ही जा रहा है, तो कह रहे हैं एक छोटा सा शूट करना है तो कर ही लेता हूँ, है ना। एहसान हुआ मेरा आप पर, कभी भी चुका सकते हो। ठीक है, देखा मैं कह रहा था ना ये फिर से आएंगे और आ गए। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, फोन लेने तो आना ही था का। चलो फिर बाय। ओके बाय, जल्दी मिलते हैं। ये दोनों क्लिप मुझे व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट करना। जाते जाते फिर काम बता जा रहे हो दोबारा दोबारा आके। बाय। मनीष भैया भी चले गए हैं और अब मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। तो फाइनली मैं भी तैयार हो गया हूँ, बाकी नेहा तो बहुत पहले तैयार हो गए थे। आज न जाने नेहा इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गए थे, और मुझे थोड़ा अपने कपड़े ढूंढने में समय लग गया था, तो भाई साहब नाराज हो गए फालतू का। चले फिर चले। ओके जी, तो फिलहाल का सीन ऐसा कुछ है, शादी वाले घर में हम लोग पहुंच चुके थे और शादी होने वाली है टुडे वाली। तो ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी शादी है जो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी शाम के लगभग 6:30 के आसपास समय हो रहा है और शादी अभी पहुंची हुई नहीं है, बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है शादी की। देखिए ऐसे कुछ करके घर को सजाया गया है। तो यहाँ पर बनाया गया है शादी का मुख्य द्वार और ऐसे कुछ सजाया गया है घर को वहाँ तक। बाकी यहाँ पे स्टेज तैयार किया गया है वरमाला के लिए। फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ अभी दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ना मुझे थोड़ी देर के लिए ड्यूटी दी गई है, तो जो पिठा लगाते हैं ना तो वो वाली ड्यूटी अभी मुझे दी गई है, तो ज़्यादा इधर उधर मैं नहीं जा सकता अभी। आप लोग समझ गए होंगे ये वाली ड्यूटी है आज मेरी, यानी कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना तो दुल्हन को वो पिठा लगाते हैं, तो उन सारों का नाम इसमें ऐड करना होता है। तो फिलहाल मुझे उस काम से फुर्सत मिल गई है, तो अभी मुझे बनाना है पंडित जी के लिए सब्जी। तो पनीर और मटर बना रहे हैं, तो यहाँ पे चूल्हे में पनीर मटर बन रहा है, हालांकि मैंने इसमें ढक्कन रख दिया है, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि काम ना बहुत सारा हो रहा था, तो मुझे कह रहे थे तो छोटा सा हेल्प ये मेरी ओर से हो गया है। बाकी ये है हमारी दुल्हनिया, हमारी नहीं मतलब दूल्हे की दुल्हनिया। हाँ साली जी, शादी भी लगभग पहुंचने वाली है, वहाँ कहीं पे शादी पहुंच चुकी है। दूल्हे राजा दुल्हन
क्या पहचान नहीं पा रहे हो? अच्छा पहचान लिया पहचान लिया। और ये है दुल्हनिया। उठा दे पीछे से और क्या ओके जी, तो आज है दूसरी मॉर्निंग और सुबह के बजे हैं 7 और शादी जाने की तैयारी लगभग हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी देर में शादी जाती है। बाकी कल देर रात तक शादी का प्रोग्राम हुआ था। बाकी वहाँ को ऊपर को भी घर है और उस साइड में जंगल और यहाँ को खेत। Thank you.
हो गया।